हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी कूपन डील। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मिच के सिक्योरिटी कैमरा की। फ्रेंड्स, ये एक सिक्योरिटी कैमरा है जो कि 1080p में वीडियो को रिकॉर्ड करता है। इसके फीचर्स की बात करें तो वाईफाई इनेबल्ड है, टू वे कम्युनिकेशन के साथ आता है और इंफ्रारेड नाइट विजन टेक्नोलॉजी भी है इसमें, और अप टू 64GB इसमें आप मेमोरी को डाल सकते हैं। अब बात करें इसके मेन फीचर की, तो इसके अंदर मोशन डिटेक्शन अलर्ट आता है जो कि इसको अलग और यूनिक बनाता है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सामने की तरफ कैमरा देखने को मिलता है, एक छोटा सा पोर्टेबल, और नीचे की तरफ आपको एक बॉक्स मिल जाता है। और इसको अगर आप खोलेंगे तो इसमें आपको एक अडैप्टर मिलेगा और एक USB केबल इसको पावर देने के लिए, और कुछ पेपर वर्क यूज़र मैनुअल टाइप। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, ये कैमरा कुछ इस तरह से है और इसकी जो क्वालिटी है फ्रेंड काफ़ी अच्छी है, पकड़ने में काफ़ी स्टडी है और काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ आता है। काफ़ी हैंडी है, पोर्टेबल है, छोटा है। अब इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं। और बात करें पीछे की तरफ, तो आपको एक microUSB पोर्ट मिल जाता है इसको पावर देने के लिए, और एक स्पीकर मिल जाता है जिससे आप कॉलर भेजेगा, और एक बटन भी मिल जाता है पावर ऑन ऑफ के लिए। और बात करें इसके सामने की तरफ, तो इसमें सामने से आप इसको रोटेट करके यहाँ microSD कार्ड भी लगा सकते हैं। तो आप जैसे ही इसको रोटेट करेंगे इसके कैमरे को, तो आप यहाँ पे microSD कार्ड भी लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा इसमें ये फीचर दिया हुआ है। तो अब इसको आप सेटअप करते हैं, ऑन करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये कैसे चलता है। तो फ्रेंड्स, बात करें इसके सेटअप की, तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में QR कोड को स्कैन करना है, जो कि आपको इसके बॉक्स के पीछे और यूज़र मैनुअल पे भी मिल जाएगा। इसको स्कैन करने के बाद आप अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और जब ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, जब उसमें आप सेटअप करेंगे, तो आपको एक और QR कोड दिखेगा जो कि आपको इसके कैमरे के आगे ला के स्कैन करना है, तो फिर आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने सेटअप कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मेरी जो फ़ोटो है, मेरा जो वीडियो है दिख रहा होगा, और मेरा हाथ भी दिख रहा होगा, फिंगर्स वगैरह। तो इस तरह का कुछ इसका लेआउट है ऐप का, और आप देख सकते हैं मैं आपको दिख रहा हूँगा। अगर मैं इसको दबाऊँ राइट की तरफ, तो राइट मूव होगा, और इसको आप घुमा भी सकते हैं आप मैनुअली, और ये जब मोशन डिटेक्ट करता है तब भी घूमता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से घूम रहा है। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये देखिए, ये इसको नीचे भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। बात करें जैसे कुछ और फीचर्स की, तो आपको माइक का बटन मिलता है। माइक का बटन आप दबा के आप कुछ भी अगर अपने फ़ोन से बोलेंगे तो इस स्पीकर में आवाज़ आएगी, किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कुछ बताने के लिए। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। कैमरे की बात करें तो इसमें मतलब ये कैमरे का जो आइकन है, ये कैप्चर करने के लिए, फ़ोटो कैप्चर करना हो किसी चीज़ का, तो और वीडियो रिकॉर्डिंग, तो आप सभी को पता है नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। और ये जो बटन है, इससे ये फुल स्क्रीन के व्यू में आ जाता है, तो आप फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए कुछ इसके बेसिक फीचर्स की बात। अब बात करते हैं इसके मेन फीचर की, जो है मोशन डिटेक्शन का। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में आपको देख सकते हैं, आपको मोशन डिटेक्शन का फीचर दिख रहे हैं आपको हाई पे है, और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग अभी डिसेबल है। तो मैं आपको ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इनेबल करके दिखाता हूँ कि ये कैसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है। मैं इसके सामने से चल के जाऊँगा, आप देखिएगा ये मूव होगा साथ के साथ। तो ये देखिए, मैं चल रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, और ये उस हिसाब से ये रोटेट हो रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये उस हिसाब से रोटेट होता रहता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से जो है ऑब्जेक्ट ट्रैक करता है, मोशन को डिटेक्ट करता है। और बात करें अलर्ट की, कि आपको फ़ोन में कैसे मिलेगा, तो जैसे ही आपके सामने से कोई भी, इस कैमरे के सामने से कोई भी ऑब्जेक्ट गुजरेगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मोशन डिटेक्टेड, आपको यहाँ पे कई सारे नोटिफिकेशन आपको दिख रही होंगी। तो आपको फ़ोन में भी अलर्ट मिलेगा, और साथ ही साथ आपका कैमरा भी उस हिसाब से रोटेट होता जाएगा जैसे ही इसके सामने से कोई ऑब्जेक्ट जाएगा। हाँ, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग और मोशन डिटेक्शन ऑन रखना पड़ेगा। तो ये था फ्रेंड्स इस कैमरे के बारे में।
बाकी तो आपको इसमें नॉर्मल सारे फीचर्स मिलते हैं, आप आसानी को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी कर देना फ्रेंड्स। और मोर कैशबैक एंड डील के लिए, ऑफ़र के लिए हमारे वेबसाइट easycoupondeal.com को ज़रूर विज़िट करें, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.